सबसे पहले तो मैंने HRDC की तरफ से अपने सब यात्रियों को, सब लोगों को नव वर्ष की बधाई दी है कि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। साथ में हमने जो पिछले साल मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का डाटा था, ये शेयर किया था और कंपैरिजन किया था 2020 से, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। और इस बार कोरोना काल के बाद जो हमारा नेट सेल में जो डाटा है वो अच्छा हुआ है। जो हमारे मेनली 4 पैरामीटर्स होते हैं डिपो के, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो टोटल जो हमारी माइलेज है वो इस साल 62 लाख के करीब रही है, जो कि पिछले साल 37 लाख थी। तो टोटल हमने 62 लाख किलोमीटर इस साल कवर किए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 68% के करीब ज़्यादा है। साथ में जो हमारी टोटल कुल आयड है डिपो की इस साल में, वो टोटल 22 करोड़ रही है, जबकि पिछले साल ये आय हमारी सिर्फ 12 करोड़ थी। तो टोटल 77% के करीब इसमें भी हमारी पर किलो जो टोटल आय है उसमें इजाफा हुआ है। साथ में जो हमारी आय पर किलोमीटर होती है उसमें भी इस साल हमारी आय पर प्रति किलोमीटर में बढ़ावा हुआ है। और इस साल हमारी आय 36 रुपये 51 पैसे रही है, जो कि पिछले साल की तुलना में 5.5% बड़ी है। और जो हमारा डीजल औसत है, पर किलोमीटर डीजल औसत है, उसमें भी इजाफा हुआ है, जो कि पिछले साल हमारी 3.15 थी वो बढ़ के 3.86 हो गई है। इसमें भी जो हमारा टोटल है ये 22% के करीब जो हमारी KMPL है, जो डीजल औसत पर किलोमीटर है, उसमें इजाफा हुआ है। तो नेट सेल में ये कहूँगा कि जो हमारा HRDC की यात्रियों में जो हमारा HRDC के प्रति विश्वास है वो दिखाता है कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और आगे भी हम यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं देते रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे लोग हमारी बसेस में अब रोज़ाना जहाँ से सफ़र कर रहे हैं, हमने भी कोशिश की और आज पिछले कल से हमने जो हमारी लास्ट वॉल्वो जो 10-10 के धर्मशाला से दिल्ली के लिए चलती है उसे भी हमने चला दिया, और आज से वो सुचारू अपनी सेवाएं देगी। तो मैं यही कहूँगा कि वॉल्वो बसेस भी जो हमारी बंद पड़ी थी कोरोना काल में, वो मुख्य कार्यालय के देशों के तहत सब चला दी हैं, और आगे भी हम यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे और बेहतरीन सेवाएं देते रहेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए धर्मशाला से आशीष राणा। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।